हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हो सारे बंदे यार, आई होप कि गाइस अच्छे होंगे। तो भैया आज का एपिसोड हम कर रहे हैं भैया दिन से शूट, मतलब अभी हम अपना लंच करके आ चुके हैं और अभी फिलहाल हूँ मैं अपने स्कूल में, अपने नहीं मतलब अपने गाँव के स्कूल में, ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज राडागाड़ गुरु। और यहाँ पे हम क्यों आए हैं, इससे प्रीवियस जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा हो उसमें हमने बजरी चाली थी। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे थे कि रोड का काम चल रहा था और जेसीबी और बाकी मशीन जो बजरी को इधर उधर कर रही थी, तो भैया हम उसको सेफ जोन में रखने आए हैं ताकि खच्चर उसे हमारे घर तक पहुँचा सके, ठीक है। तो अभी उसको रखना है भैया सेफ जोन में, ठीक है, क्योंकि बीच रोड में रखी हुई थी, बीच रोड में नहीं लेकिन रोड में रखी हुई थी हमने वो। तो यही सीन है आज के। तो भैया आज का काम कुछ ऐसे होने वाला है, फिर से आज आप लोगों को दिखने वाली है डार्क साइड ऑफ माउंटेन्स। तो यही सीन है भैया, तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। उनका भी लंच टाइम ख़त्म हो चुका है और आ गए हैं वो घुर 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 करके, ठीक है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये है भैया राजकीय इंटर कॉलेज राडागाड़, आप ये चेक करें कितना सही लग रहा है। और अपने साथ आज जाएंगे शुभम भाई गढ़वाली हीरो, मस्त एकदम। और यहाँ पर आप ट्रैक्टर भी आ गए हैं, तो चलो चलते हैं, काम करते हैं फटाफट। और स्कूल से भैया कुछ ऐसा दिखता है अपना गांव, और बादल देखें आप कैसे लगे हुए हैं आज एकदम मस्त। तो चलो काम शुरू करते हैं गुरु। तो जनाब अभी बज रहे हैं दिन के 3 और हमको करना है काम, कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद निकलते हैं। भैया जो 10-20 कट्टे हमने बजरी के भरे थे उसको रखना है सेफ जोन में, ऊपर रास्ते में जहाँ से खच्चर लेके जाएंगे उन्हें। तो भैया जो ये निकाली थी उस दिन बजरी, अब बस इतने कट्टे यहाँ पे बचे हुए, एक ये ख़त्म हो चुका है, एक ये ख़त्म हो चुका है। और गड्ढा देखो कितना भयंकर कर दिया है भाई साहब, कितनी भयंकर खाई बना दी है। और कट्टे कुछ यहाँ पे हैं, तो हमको क्या काम करना है कि इस पल्ली में रख के और ऊपर वहाँ रास्ते तक पहुँचाने हैं ये। चलो भाई आपके साथ भैया मैं ये कट्टे भी लेके आया हूँ, तो ये भी रखना है। अभी इधर पीछे रोड का काम चल रहा है, पत्थर पत्थर फोड़ रहे हो, ठीक है, और इन पे भरना है भैया जो फूट गए हैं कट्टे, फट गए हैं कट्टे। तो चलो करते हैं फिर, वैसे धूप बहुत तेज़ लग रही है, आँखें भी नहीं खुल रही है। तो भैया अभी सीन्स फ़िलहाल कुछ ऐसे कि ये पीछे आप काफल का पेड़ देख सकते हो, यहाँ पर चढ़े हैं शुभम भाई, ठीक है। और सीन्स अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये हंसी वादिया ये खुला आसमां। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे गंदी गंदी गालियों वाले गाने गा के? घास की कोपलें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं अगर आप लोग देखें, और ये अपने गांव की रोड है, अभी बस यहीं तक पहुंच पाई है ये, कब जाएगी वेस से आगे। तो शुभम भाई कुछ इतने काफल लेके आ चुके हैं और ठीक ठाक है मतलब ये, तो इनको टेस्ट करते हैं। आहा मस्त एकदम, चलिए इनके चकदे पटे थे नवदे गिल्ली करते हैं। वैसे भी इस बार काफल नहीं आ रहा, इस बार काफल बहुत कम है गुरु, पहाड़ी रास्तों में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तुम कटा चल रही कटा, लेकिन चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना बढ़िया। तो भैया अभी फ़िलहाल सीन्स कुछ ऐसा है कि ये वाले कट्टे जो हैं इस पल्ली में रख के ऊपर लेके जाने हैं, तो एक तो हम लेके चले गए हैं और अभी देखते हैं कितने रह गए। तो भैया यहाँ पे ये 8 कट्टे हमने उधर नीचे रोड से ले आए हैं, ठीक है, और एक कट्टा उन्होंने वेस्ट कर दिया था, इधर उधर सारा रफा दफा हो गया था वो, तो यही सीन है, चलो अब चलते हैं भाई। तो भैया अभी फ़िलहाल सीन्स कुछ ऐसा है कि हम वहाँ से बजरी चाल के नहीं मतलब बजरी को शिफ्ट करके सेफ जोन में रख के आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे शुभम भाई हाथ पांव धुल रहे हैं उधर आगे नल पे, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पसीना पसीना हो गया गुरु, काफ़ी धूप में हमने काम कर दिया आज, वैसे मॉर्निंग में आना था लेकिन ऐसे नहीं आए हम, अभी देखते हैं, ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे धुल रहे हैं अभी शुभम भाई हाथ पांव, और अब अपन भी धुलते हैं मस्त। तो भैया अभी फ़िलहाल हमने इतने काम कर दिए यहाँ पे कि जो बजरी थी उसको सेफ जोन में रख दिया है, ठीक है, रोड से हटके। रोड पे जो भैया काम कर रही मशीनें थी वो उनके ऊपर चढ़ रही थी और इधर उधर हमारी मेहनत बर्बाद कर रही थी कुल मिला के। और आप हाथ पे छाले देख सकते हो गुरु, ये देखें आप, ओए होए 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 होए। तो चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ, ओके। तो भैया ये वाला व्लॉग थोड़ा छोटा बन गया है, मैं कोशिश करता हूँ व्लॉग थोड़े से लंबे बने, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 व्लॉग ऐसे छोटे भी सही रहते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करना है। तो भैया इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर आप लोगों को और भी पहाड़ी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो भैया। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को यह वाला व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, साथ के साथ भैया इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजय दत्ती हूँ जी मैं।